हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एप्पल वेयर की एक वैरायटी दिखाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वॉल सुंदरी एप्पल वेयर, जिसका टेस्ट भी खाने में बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ मार्केट में इसके दाम भी बहुत अच्छे होते हैं, एवं इसको घर में गार्डन में भी लगा सकते हैं या फिर बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट ऐसा होता है जो बिल्कुल छोटे ही प्लांट में वेर आना शुरू हो जाते हैं। ये देख सकते हो गाइज, ये जो पौधा है हमने अभी अगस्त में ही लगाया था और इसमें वेर आना शुरू हो गए हैं, ये देखिए। तो इसकी कोई खेती करना चाहे तो ये बहुत ही मुनाफेदार बेर की वैरायटी है। अगर कोई अपने गार्डन में लगाने का इसको इच्छुक हो तो गार्डन में भी इसको लगा सकते हैं। सिर्फ 5 महीने पुराना ये एप्पल वेयर, वॉल सुंदरी एप्पल वेयर का प्लांट है, देख सकते हो गाइज। ये देखिए दोस्तों, हमने इस प्लांट्स को कोलकाता से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। इस वैरायटी के हमने 500 पौधे मंगवाए थे, तो कुछ को तो हमने अपने गार्डन के अंदर लगा दिया था, कुछ को हमने सेल कर दिया है। उन हमारे गार्डन के अंदर जो पेड़ लगाए थे उन्हीं को मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, ये वैरायटी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी यानी कि ऑल इंडिया के अंदर ये वैरायटी सक्सेसफुल है, तो कोई भी अपने बाग के अंदर इसको लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा पा सकते हैं, या गार्डन के अंदर इसका प्लांट्स लगा करके इस वैरायटी का स्वाद ले सकते हैं। ये देख सकते हो, ये देखिए गाइज, अभी छोटा ही है, 5 महीने पुराना पौधा है, लेकिन इसमें बेर काफ़ी लगे हुए हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि एप्पल वेयर जो होता है क्या बिल्कुल एप्पल जैसा ही होता है? दोस्तों आप देख लीजिए, अभी ये काफ़ी छोटा है, मेच्योर नहीं हुआ है, फिर भी इसमें अभी से ही कलरिंग आना शुरू हो गया है एप्पल की तरह। मेच्योर होगा तब मैं एक वीडियो बनाऊँगी तो दिखाऊँगी कि मेच्योर होने के बाद में ये एप्पल वेयर कैसा लगता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए दोस्तों, इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये 5 महीने के अंदर, और इनमें वेयर भी आ रहे हैं, देखिए। ये सक्सेसफुल वैरायटी है इंडिया के अंदर, और इसके मार्केट में दाम भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए गाइज, हमने एक बार छटाई कर दी थी इन प्लांट्स की, उसके बाद भी ये कितने बड़े हो गए हैं। दोस्तों, अगर वॉल सुंदरी एप्पल वेयर को कैसे लगाया जाता है तथा इसकी कैसे केयर की जाती है, इसकी वीडियो मैंने इस चैनल पे पहले ही डाल रखी है, जिसमें 3 वैरायटी के एप्पल वेयर दिखाए थे, वॉल सुंदरी एप्पल वेयर, ग्रीन एप्पल वेयर एंड सीडलेस एप्पल वेयर। ये देखिए गाइज, लगभग सभी पौधे में अभी 5 महीने पुराने हैं, सब में बेर लगा हुआ है, इसमें भी बेर लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके सपोर्ट के लिए हमने लकड़ी भी लगाई हुई है, ताकि ये बेर बड़ा होगा तब ये इसकी जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं ये टूटे ना, इस कारण हमने इसके सपोर्ट के लिए लकड़ी लगा दी है, क्योंकि
बेर अभी काफ़ी बड़ा होगा, ये देख सकते हो दोस्तों। जो भी एप्पल बेर की इस वैरायटी को लगाने का इच्छुक हो तो इसे अपने गार्डन के अंदर लगा सकते हैं। कैसे लगाया था हमने इसको, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये देखिए बिल्कुल एप्पल जैसा कलर है और मैच्योर होने के बाद एप्पल जैसा हो जाएगा। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए गाइस, ये वीडियो मैं पैर भरतपुर राजस्थान से बना रही हूँ, आप देख सकते हो। इंडिया के अंदर सक्सेसफुल है ये, अगर कोई इसको लगाने का इच्छुक हो तो लगा सकते हैं अपने गार्डन के अंदर। इसके बहुत ही अच्छे दाम मिलते हैं, यहाँ से ये दिल्ली मुंबई के अंदर सप्लाई होता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है ये। इसको तोड़ने के बाद भी 5-7 दिन रखा जा सकता है। साथ ही दोस्तों इसका टेस्ट तो लाजवाब है ही, बिल्कुल एप्पल जैसा टेस्ट है। और इसके दाम 40-50 रुपए केजी के हिसाब से मिलते हैं। देखिए दोस्तों, छोटे सी टहनी है इसके अंदर, उसके ऊपर ने सारे एप्पल वेर लगे हुए हैं, देख सकते हो। इधर देखिए, इस पर 5-6 एप्पल वेर लगे हुए हैं एक ही टहनी के ऊपर, यानी कि इस वैरायटी से छोटे पौधे में ही बेर आना शुरू हो जाते हैं। लगाने से लगभग 3-4 महीने बाद ही, ये देखिए ये एप्पल वेर बिल्कुल गोल हो गया है, इसी साइज भी आप देख सकते हो, बड़ी हो गई है, बिल्कुल एप्पल जैसा लग रहा होगा आपको देखने में ये। ये देखिए इस प्लांट्स में जितने भी एप्पल वेर हैं उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो गई है दोस्तों। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र युक्त खेती है, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया गया है। वर्मी कंपोस्ट ही हम अपने बाग के अंदर वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और केमिकल युक्त खेती से बचें ताकि बीमारियां कम से कम हों।